Good evening. Welcome back. So our question is: In a store, Arun has Arun has two options to buy a mobile phone. Either he can pay the full amounts of rupees 2500 or he may buy an instalment scheme. Either rupees five twenty in the down payment and four equal installments, rate of interest being charged at twenty five percent per annum. Okay. Arun buys a mobile phone on the instalment scheme. What is the monthly instalment for Arun? ठीक है यहाँ क्या पूछा गया मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ ध्यान रखना हम लोग को मंथली इंस्टॉलमेंट का बात कर रहे हैं ठीक है सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या बोला गया क्वेश्चन समझेंगे क्वेश्चन में बोला गया दो ऑप्शन है रूम के पास या तो वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपया तुरंत कैश पेमेंट कर दें अभी का भी या फिर वो अगर हम लोग करता है ये इंस्टॉलमेंट में करता है तो उसको क्या करना होगा शुरू में डाउन पेमेंट करना होगा फाइव ट्वेंटी का और बाकी जो है अगर मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार बढ़ेगा ठीक है तो इसमें कंसेप्ट हम लोग का लगे इंस्टॉलमेंट वाला ठीक है तो इसके लिए इंस्टॉलमेंट का चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए तो सबसे पहले आते हैं हम लोग तो यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले देखें हम लोग का ट्वेंटी फाइव हंड्रेड है ठीक है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हम लोग का टोटल अमाउंट बोला गया अब इसमें क्या बोलता है कि ये फाइव ट्वेंटी पे कर चुका है पे कर देगा फर्स्ट बार अच्छा तो अगर फाइव ट्वेंटी ये पे कर देगा तो बाकी चार इंस्टॉलमेंट में उसको कितना पे करना रहेगा ये आ जाएगा नाइनटीन वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टीन ठीक है अब इसको चार इंस्टॉलमेंट में पे करेगा लेकिन ये तो चार इंस्टॉलमेंट में फिर नाइन वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी ही नहीं पे करेगा क्योंकि चार जब चार महीना होगा तो इंटरेस्ट तो बढ़ के बढ़ के क्या हो जाएगा अमाउंट को बढ़ा देगा ठीक है ये तो अभी पेमेंट करना होगा तब नाइनटीन एट्टी हुआ ठीक है लेकिन इंटरेस्ट अगर देखें तो क्या बोला गया 25 है ट्वेंटी फाइव परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या बोला गया पर एन एम मतलब ईयरली अब यहाँ क्या बोला गया 4, 4 है चार फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ठीक है फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मंथली बोल रहा है मंथ मंथ का चार मंथ का क्या हो जाएगा एक साल में एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट पच्चीस परसेंट है तो चार मंथ मतलब क्या हो गया वन थर्ड ऑफ ए ईयर तो ट्वेंटी फाइव परसेंट को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे थ्री से तो कितना हो जाएगा ये परसेंट हटेगा नीचे हंड्रेड आ जाएगा तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव से वन टाइम्स में कटा ट्वेंटी फाइव वन जी ट्वेंटी फाइव टू तो ये आ रहा है वन ट्वेल्व मतलब ये ट्वेल्व में वन इंक्रीज होगा सिंपल बोले तो हम क्या हो जाएगा ये वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी जो था अमाउंट वो चार महीना के बाद क्या हो जाएगा ट्वेल्व में वन इंक्रीज होना मतलब थर्टीन बाई ट्वेल्व ये बोल सकते हैं ठीक है थीक? इसको चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं या तो इतना ही छोड़ देते अभी बाद में इसको आगे देखेंगे क्या किया जाएगा अब आगे ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला गया है आगे बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बींग एट ट्वेंटी फाइव परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अब बोला गया मंथली जो इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो मंथली ये चीज़ ध्यान रखना है क्वेश्चन हम लोग जनरली पढ़ते क्या ईयरली ठीक है इस तरह से या मंथली बोल रहे हैं तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट पता रहना चाहिए ठीक है जैसे हम इंस्टॉलमेंट चैप्टर पढ़ें तो ईयरली दिया रहता था तो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट से करते थे लेकिन यहाँ हम लोग मंथली देख लेते हैं तो अगर हम देखें तो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हम लोग का ट्वेंटी फाइव परसेंट अपॉन ट्वेल्व uh, मीन्स इसको सिंपल डिवाइड कर देते हम ट्वेंटी फाइव 12 ट्वेल्व और परसेंट हटा हंड्रेड आ गया तो ये कट जाएगा ट्वेंटी फाइव वन ज़े ट्वेंटी फाइव फोर जो हंड्रेड और एट ज़े फोर्टी तो ये आ गया हम लोग का वन बाई फोर्टी एट आ गया ठीक है तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वन बाई फोर्टी एट अब जैसे अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी आता है जैसे वन बाई फोर्टी एट तो हम लोग मान सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट फोर्टी एट फोर्टी एट का मान लेते हैं फोर्टी एट अब यहाँ चार इंस्टॉलमेंट होगा ना चार मंथली मंथली बोला गया चार इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला गया और मंथली तो फोर्टी एट फोर्टी एट इस तरह से मान लेते हैं ठीक है अब यहाँ अगर हम देखें फोर्टी एट फोर्टी एट है लेकिन अगर हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे कि इंस्टॉलमेंट वाले में कि ये जो फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट है अगर इसको लास्ट में जाकर ऐसे यहाँ मान लेते हैं पहला इंस्टॉलमेंट होगा हम लोग का फोर्टी एट सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा फोर्टी एट थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा फोर्टी एट फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगा फोर्टी एट अब एस आई वाले हम लोग इंस्टॉलमेंट में ये पढ़ते हैं कि ये कितने समय पहले हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं तो थ्री मंथ पहले ठीक है अगर इसको लास्ट में पेमेंट करते हैं तो थ्री मंथ का इंटरेस्ट जुड़ता और हम लोग क्या पढ़ें कि वन बाई फोर्टी एट मतलब क्या आया अगर यहाँ आया था अभी हम लोग का वन बाई फोर्टी एट ये लिख देते हैं हम वन बाई फोर्टी एट इसका मतलब ये कि अगर हम फोर्टी एट फोर्टी एट लिए हैं तो एक हम लोग को इंटरेस्ट देना होगा एक मंथ में ठीक है फोर्टी एट अगर हम ली हम लोग को चुकाना है तो क्या करेंगे एक इंटरेस्ट देना होगा ठीक है तो ऐसे ही अगर देखें इसको अगर हम अभी पेमेंट नहीं करते तीन साल बाद तीन मंथ बाद पेमेंट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है वन 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 थ्री टाइम्स ऐड हो जाता मतलब थ्री ऐड हो जाएगा और ये दो मंथ बाद अगर पेमेंट करते तो इसमें टू ऐड हो जाएगा और ये पेमेंट करते बाद में तो क्या हो जाता है इसमें वन ऐड हो जाएगा और इसमें क्या ये तो अभी पेमेंट कर ही रहे लास्ट टाइम ठीक है इस तरह से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का इस तरह से इंस्टॉलमेंट से बनता है अब अगर हम देखें यहाँ तो फर्स्ट वाले में हम क्या बोले थ्री ऐड करेंगे सेकेंड वाले में क्या टू ऐड करेंगे थर्ड वाले में क्या वंस फिर फोर्थ वाले में कुछ नहीं सबको ऐड कर देते हैं ठीक है तो क्या आ जाए हम लोग का ये फोर्टी नाइन फिफ्टी फोर्टी नाइन फोर्टी एट ये सबको ऐड कर देंगे फोर्टी एट फोर जो ये आ गया हम लोग का और ये थ्री टू फाइव एक्स सिक्स ये पूरा ऐड करने पे आ जा रहा है हम लोग का वन नाइन ठीक है वन नाइन एट आ गया क्योंकि 192 आ रहा था एट फोर जीरो थर्टी टू और यहाँ वन नाइन एट आ गया लेकिन अमाउंट ये क्या निकल रहा है ये अमाउंट हो रहा है ना कि इतना अमाउंट हम लोग को ओवरऑल टोटल पेमेंट करना पड़ेगा वन नाइनटी एट लेकिन अगर हम देखें तो अमाउंट क्या वन नाइन एट पेमेंट करना पड़ रहा है क्या हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ हम लोग शुरू में निकालते हैं अगर फोर मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे तो अमाउंट वन 198 नाइन एट नहीं वन नाइन एट जीरो बाई इंटू थर्टीन अपाउं ट्वेल्व इतना पेमेंट करने का पड़ेगा तो इसको लिख लेते हैं वन नाइन एट ज़ीरोर्टीन अपॉन टूल्व इतना पेमेंट करना है तो वन नाइन एट से कितना टाइम्स ज़्यादा हो गया ये तो हम लोग बोल सकते हैं ये वन थर्टी बाई टूवेल्व टाइम्स क्योंकि यहाँ सिंपल है एक जीरो और थर्टीन ठीक है तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया इतना टाइम्स तो इंस्टॉलमेंट भी जो होगा ये हम लोग इंस्टॉलमेंट लिया था ये हम लोग पढ़े थे इंस्टॉलमेंट वाले में तो फोर्टी एट जो इंस्टॉलमेंट लिए है उसको भी क्या करना होगा हम लोग को वन थर्टी अपॉन टवेल्व से मल्टीप्लाई करना होगा तो ट्वेल्व से कट जाएगा फोर बार में थर्टीन फोर या फिफ्टी टू तो ये फाइव ट्वेंटी हम लोग का आ जा रहा है इंस्टॉलमेंट तो मंथली इंस्टॉलमेंट जो आया वो कितना आ गया फाइव ट्वेंटी ऑप्शन देखते हैं कौन सा है तो फाइव ट्वेंटी ऑप्शन ये डी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है इसको जैसे हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्या क्या किया गया है क्वेश्चन में बोला गया था कि ट्वेंटी फाइव हंड्रेड उसको या तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अभी का भी चुकाना है या फिर क्या करना है कि फाइव ट्वेंटी अभी पेमेंट कर दें और बाकी चार चार मंथ में हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दें अब ऐसा तो नहीं है कि मंथली मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो तब भी उतना ही पेमेंट करना होगा इंस्टॉलमेंट जब करते हैं तब क्या हो जाता है प्राइस थोड़ा तो बढ़ जाता है जैसे बाइक अगर हम लोग का एटी थाउजेंड का रहता है तो इंस्टॉलमेंट में लेने के बाद क्या हो जाता है कुछ प्राइस इनक्रीज़ हो जाता है तो कितना इंक्रीज़ होगा तो यहाँ साफ दिया गया है रेट था ट्वेंटी फाइव परसेंट रेट हम लोग का ट्वेंटी फाइव परसेंट दिया गया था तो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट पर एन एम दिया गया था यहाँ लिखा हुआ है जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट पर एन मतलब चार मंथ का क्या हो जाएगा चार इंस्टॉलमेंट है ना तो वन टू थ्री फोर चार मंथ का क्या हो जाएगा हम लोग का वन बाई थ्री ठीक है वन बाई थ्री तो इसलिए हम लोग क्या किए रेट का वन बाई थ्री निकाले ट्वेंटी फाइव परसेंट का तो जो कि आ गया वन बाई ट्वेल्व का इक्वल अब वन बाई ट्वेल्व मतलब क्या हो गया ट्वेल्व में एक इंक्रीज़ हो जाएगा सिंपल बोले तो वन नाइन एट ज़ीरो का थर्टीन अपॉन ट्वेल्व तो ये आ गया हम लोग का जो भी आएगा इसको सॉल्व किए नहीं हम लोग लास्ट में सोचे सॉल्व कर लेंगे अब मंथली रेट हम लोग क्या किए निकाल लिए मंथली रेट निकालने तो क्या हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंट था एक साल का तो मंथली क्या आ जाए ट्वेंटी फाइव परसेंट बाई ट्विंथ्स ये फ्रैक्शन में अगर देखें तो क्या आ जा रहा था वन बाई फोर्टी एट आ रहा था फ्रैक्शन में तो वन बाई फोर्टी एट इस तरह का अगर अब यहाँ से क्या होता है कि डाउट होगा कि वन फोर्टी एट क्यों लिए तो इसके लिए क्या करना होगा कि इंस्टॉलमेंट चैप्टर पढ़ना होगा सिंपल इंटरेस्ट ठीक है उसके बाद अपने आप समझ आया अधिकतर टीचर ये मेथड से बताएंगे जितना भी शॉर्टकट पढ़ाते हैं ठीक है तो ये फोर्टी एट इंस्टॉलमेंट हुआ हम लोग का और क्या था ये फोर्टी एट में जितना मतलब मंथ एक मंथ या ईयर रहता है क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट वाले में उतना ऐड कर दिया जाता है हर साल का तो एक साल का बस एक मंथ का यहाँ है ना एक मंथ का एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कितना ये कितना हो जाएगा तीन मंथ हुआ ना वन टू थ्री थ्री आगे हो रहे हैं पीछे है तो थ्री मंथ्स का क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा फिर ये कितना ये इससे कितना आगे है हम लोग का दो तो दो मंथ पीछे क्या हो जाएगा हम लोग का दो ऐड हो जाएगा और इसमें क्या हो जाता है ये एक तो इसमें एक ऐड हो जाएगा क्योंकि एक इंटरेस्ट है और इसमें कुछ नहीं ऐड होगा तो टोटल ओवरऑल क्या जा रहा है हम लोग का अमाउंट 198 लेकिन एक्चुअल में हम लोग का जो अमाउंट था 198 नहीं था क्या था 1980 नाइन एट जीरो इंटू थर्टीन अपॉन ट्वेल्व ठीक है तो कितना टाइम्स ज़्यादा दिख रहा है ये तो यहाँ हम लोग देखें कि क्या कर दिए वन थर्टी बाई ट्व टाइम्स ठीक है ऐसे ही दिख रहा है वन नाइन एट जीरो लाना है तो क्या टेन हो गया और थर्टीन टेन जो वन थर्टी बाई ट्वेल्व तो उसी तरह से जो इंस्टॉलमेंट था वो फोर्टी का नहीं हो जाएगा वन थर्टी बाई हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ये काफ़ी फास्ट बन सकता है इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ठीक है और थोड़ा ये सब कैलकुलेशन फास्ट करना होगा इससे शॉर्टकट मेथड हमको लगता नहीं हो सकता है ठीक है तो इससे शॉर्टकट होगा नहीं इधर क्या कर सकते हैं हम लोग कुछ स्टेप को हटा सकते हैं ठीक है थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं ये सब हमको समझाना था इसलिए हम पूरा डिटेल लिखें इतना लिखने का जरूरत नहीं है ठीक है ये ये डायरेक्ट ये सब मंथली रेट है ये डायरेक्ट निकाला जा सकता है स्पीड में ठीक है और ये थर्टीन बाई ट्वेल्व उतना समझाएं वो करना नहीं पड़ेगा ठीक है लेकिन हमको समझाना है तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा अगर किसी स्टेप में अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो ठीक है और सेशन अच्छा लगा हो तो रेट जरूर करना ओके मैन सेशन लाइक जरूर करना ओके बाय ऑल द बेस्ट